नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया फर्स्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दृष्टि जैन। देश में आए दिन अपराध होते रहते हैं, लेकिन जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद ही हर घटना पर नजर रखे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे तो आम लोगों का अपराध के खिलाफ खड़े होने का हौसला बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में। यहाँ जब एक महिला ने मनचलों के खिलाफ विरोध किया तो उन्होंने उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस घटना की जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की, बल्कि घायल महिला के घर पहुंचकर उनकी सहायता की और हौसला बढ़ाया। भोपाल की रहने वाली सीमा ने हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम की है। दरअसल सीमा पर कुछ ऑटो सवार बदमाशों ने गंदे इशारे किए। इस पर सीमा ने उन्हें न केवल लताड़ा बल्कि एक बदमाश को थप्पड़ मारकर भगा दिया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही बदमाश वापस लौटे और सीमा पर ब्लेड से हमला कर दिया। सीमा के चेहरे पर 100 से भी ज्यादा टाके आए। घटना की जानकारी लगते ही सीएम शिवराज सिंह ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इसके बाद सीमा के घर पहुंचे और उनके हौसले की सराहना की। डॉक्टर चेक कर ले, मैं संपर्क में रहूंगा, ठीक है? उनका नंबर ले रहे कलेक्टर ने, मकरन कठोरतम कार्रवाई करें, जरूरत पड़े तो उनकी देखभाल, ठीक है? चिंता मत, इधर आओ बेटू, पढ़ते रहना अच्छे से, अच्छे से पढ़ना, इनका एडमिशन ही पास, ठीक है? हाँ, आपकी पूरी सुरक्षा रहेगी, आपके दबी में बिना पूरी सुरक्षा। मैडम मैं हूं ना, चिंता काय को करते, हमारा भाई भी है, चिंता मत करो। बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था, जिसने अंकुश थोड़ा गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की तो थप्पड़ मारा था। जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है, लेकिन उद्वेलित ज्यादा है। जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो होगा, कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन मैं सीमा के साहस को प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उसने चुपचाप सहा नहीं, और किसी ने अगर आपत्तिजनक हरकत की तो हिम्मत के साथ मुकाबला किया। सीमा का संपूर्ण इलाज हम कराएंगे, अभी डॉक्टर आए हैं, देखेंगे प्लास्टिक सर्जरी और बाकी क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और सीमा के साहस के लिए उसको 1,00,000 रुपए का मैंने पुरस्कार दिया है। अन्याय सहन नहीं करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी प्रेरणा बनी है सीमा। मैंने बेटे बेटियों के बारे में पूछा, वो पढ़ते हैं, अभी यहाँ से दूर पढ़ते हैं। मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद मतलब उस इलाके के बजाय आसपास ही उनका एडमिशन होगा। सीमा के पति पुताई का काम करते हैं, जिनने ये हरकत की है, ऑटो ऑटो के लाइसेंस, अब जिंदगी भर ऑटो तो क्या कुछ भी नहीं चला पाएंगे वो। ये पहली मर्तबा नहीं है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के बीच पहुंचकर उनकी मदद की हो। उम्मीद है कि सरकारी अधिकारी अपने आलीशान बंगले और सरकारी सुविधाओं से बाहर निकलकर आम जनता के प्रति जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।